नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे रुक करेंगे खबरों का। भोपाल में लगाए गए पोस्टर्स को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर फड़ास निकाली है। कमलनाथ ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो 3 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतनी निचली राजनीति करने में बीजेपी को शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा है कि मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता का भरोसा मेरे साथ है, जनता जवाब देगी। कमलनाथ ने कहा कि 47 साल के करियर में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी। आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज जब इनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, मेरे बारे में कहने के लिए, क्योंकि जनता मेरी गवाह है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।